मेरे पास कन्फेस करने के लिए कुछ है ही नहीं। आपको और कुछ पूछना है? हर 3 महीने में नेटफ्लिक्स एक टीनेज ड्रामा सीरीज रिलीज करता है, वो भी हिंदी में डब करा के। और सबसे बहादुर वो होता है जो अपने दुश्मन को तब हराता है जब वो सबसे ताकतवर होता है। इन्हीं में से आज हम कवर करेंगे टॉप 19 ड्रामा सीरीज इन नेटफ्लिक्स। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए। इस लिस्ट में नंबर 9 पर है रिबेल्ड। वेलकम नए EWS में म्यूजिकल एक्सीलेंस प्रोग्राम। सीरीज की स्टोरी फोकस करती है EWA नाम के एक म्यूजिक स्कूल पर, जहां एक सीक्रेट सोसाइटी जिसका नाम लॉज है नए स्टूडेंट्स की बुरी तरह रैगिंग ले रही है। अब उनके साथ आगे क्या होता है आप सीरीज में देखिए। सीरीज में काफी अच्छा टीनेज हाई स्कूल ड्रामा दिखाया है। इसे IMDb पर रेटिंग मिली है 6.4 out of 10। इसके टोटल 2 सीजन है। ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है और इसकी हिंदी डबिंग काफी अच्छी करी गई है। नाम इंग्लिश में क्यों रखा? क्योंकि इंग्लिश नाम क्लासी लगता है, सुनने में काफी अच्छा लगता है। और क्या जादू प्रकृति में उसकी आत्मा की तरह रहता है। अगर आपने हैरी पॉटर सीरीज देखी है तो उस लेवल का तो नहीं, लेकिन उसके आसपास का एक्सपीरियंस जरूर कराएगी आपको ये सीरीज। नंबर 8 पर है फेट द वीनिक सागा। देखो मैं तुम लोगों की तरह जादुई दुनिया से नहीं हूँ, मेरे माँ बाप सिर्फ सिंपल ह्यूमन। सीरीज की स्टोरी फोकस करती है ब्लूम नाम की एक लड़की पर, जिसका उसकी पावर्स पर कंट्रोल नहीं है और उसकी लाइफ में काफी कुछ बुरा हो रहा है, और इन्हीं चीजों को ठीक करने के लिए वो एक मैजिक स्कूल में जाती है। आगे क्या होता है आप सीरीज में देखिए। सीरीज को IMDb पर 6.9 out of 10 की रेटिंग मिली और इसके टोटल 2 सीजन नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 7 पर आती है एलीट। मैं बहुत बुरी गर्लफ्रेंड हूँ। कभी तेरी नहीं हो सकती, कभी नहीं। एलीट नेटफ्लिक्स की वन ऑफ द बेस्ट टीन ड्रामा सीरीज में से एक है, जिसमें आपको स्टोरी देखने को मिलती है कुछ स्टूडेंट्स की जो एक मर्डर मिस्ट्री में फंस जाते हैं। अब वो लोग कैसे इससे बाहर निकलते हैं आप सीरीज में देखिए, और जिस तरह से आपको चीजें दिखाई जाती है वो काफी इंटरेस्टिंग लगती है। यही रीजन है कि ये सीरीज ऑडियंस को काफी पसंद आई थी। इसे IMDb पर रेटिंग मिली है 7.4 out of 10 की। ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है और इसकी हिंदी डबिंग काफी अच्छी करी गई है। नंबर 6 पर है 13 Reasons Why। हैना के कुछ सीक्रेट्स हैं मिसेस बेकर। हैना के सीक्रेट्स नहीं, उसकी जान ले ली। इस सीरीज की स्टोरी फोकस करती है एक लड़की की स्टोरी पर, जिसने सुसाइड अटेम्प्ट किया है एंड उसने किस वजह से सुसाइड अटेम्प्ट करा है इसके पीछे 13 reasons भी छोड़ कर जाती है, जिसके लिए आपको ये सीरीज देखनी होगी। सीरीज की स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है। इसे IMDb पर रेटिंग मिली है 7.5 out of 10 की। इसके टोटल 4 सीजन नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है। उसके पास जाना चाहिए था, उससे बात करनी चाहिए थी। नंबर 5 पर आती है नेवर आई हैव एवर। इस सीरीज की स्टोरी फोकस करती है एक इंडियन अमेरिकन लड़की पर, जो अपना स्टेटस बनाना चाहती है अपने फ्रेंड्स के बीच में, जिस वजह से उसके साथ काफी सारी ट्रेजेडीज भी होती है, जिसको देखने में आपको काफी ज्यादा मजा आएगा। इसे IMDb पर रेटिंग मिली है 7.8 out of 10 की। इसके टोटल 3 सीजन नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है। हम कूल नहीं है, अगर हम कूल नहीं है तो हमें अगर आपको लगे कि आप दुनिया के सबसे बड़े साइको हो तो आप किस हद तक जाओगे? हूँ जेम्स, उम्र 17 साल और मुझे पूरा यकीन है कि मैं एक साइको। नंबर 4 पर है द एंड ऑफ द फकिंग वर्ल्ड। जितना यूनिक इस सीरीज का नाम है उतनी ही यूनिक इसकी स्टोरी भी है। सीरीज की स्टोरी फोकस करती है एक 17 साल के टीनेजर जो अपने आप को एक साइकोपैथ समझता है। अब वो क्या क्या करता है आप सीरीज में देखिए। इस सीरीज का कॉन्सेप्ट काफी यूनिक है जो आपको फुल एंटरटेन करेगा। अगर कुछ हटकर ट्राई करना चाहते हैं तो ये शो आपको जरूर चेकआउट करना चाहिए। इसके टोटल 2 सीजन नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है। इसे IMDb पर रेटिंग मिली है 8.1 out of 10 की। इस लिस्ट में नंबर 3 पर है यंग रॉयल्स। तुम्हारे दोस्तों से जरा सावधान ही रहना, मैं तुमसे कह रहा हूँ सोसाइटी तुम्हें कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। सीरीज की स्टोरी फोकस करती है प्रिंस विलियम पर, जिसकी लाइफ में कुछ ऐसी ट्रेजेडी हो जाती है जिसकी वजह से उसकी फैमिली उसको बोर्डिंग स्कूल भेजना चाहते हैं। अब वो ऐसा क्यों करना चाहते हैं, पास्ट में उसने क्या कांड कर रखे हैं, उसके लिए आपको इस सीरीज को देखना होगा। इसे IMDb पर रेटिंग मिली है 8.3 out of 10 की। ये सीरीज ऑडियंस को काफी पसंद आई थी। सीरीज नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है और इसकी हिंदी डबिंग काफी अच्छी करी गई है। इस लिस्ट में नंबर 2 पर है सेक्स एजुकेशन।
आज यहाँ आई हूँ आपसे बात करने सेक्स के बारे में। जैसा कि इसके नाम से ही आप समझ चुके होंगे कि सीरीज में सेक्स के बारे में काफी नॉलेज देखने को मिलती है। सीरीज की स्टोरी फोकस करती है ओटिस और उसके फ्रेंड्स पर, जिनकी लाइफ में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स है जो कि सिर्फ टीनेजर्स को ही फेस करनी पड़ती है। प्रॉब्लम्स को सीरीज में काफी अच्छे तरीके से दिखाया गया है। ये सीरीज आपको एक बार तो जरूर कंसिडर करनी चाहिए। इसे IMDb पर रेटिंग मिली है 8.4 out of 10 की। इसके टोटल 3 सीजन्स नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है। इस लिस्ट में नंबर 1 पर है कोबरा काय। समंथा लारूसो, मैं तुझे छोडूंगी नहीं कमीनी। कोबरा काय नेटफ्लिक्स की वन ऑफ द बेस्ट सीरीज में से एक है। सीरीज की स्टोरी फोकस करती है जॉनी लॉरेंस पर, जो कुछ टीनेजर्स को कराटे सिखाता है, जिससे उनकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आते हैं आप सीरीज में देखिए। सीरीज में काफी अच्छा टीनेज हाई स्कूल ड्रामा और कराटे भी दिखाया है। और वीडियो के आखिर में हैंडशेक डाल देना, वो होता है ना हैंडशेक टीम कोबरा काय या ऐसा कुछ, और उसे इंटरनेट पर डाल। ये सीरीज आपको एक बार तो जरूर कंसिडर करनी चाहिए। इस सीरीज को IMDb रेटिंग मिली है 8.5 out of 10 की, और इसके टोटल 5 सीजन नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है, और इसकी हिंदी डबिंग काफी अच्छी करी गई है। इसी के साथ ये थी हमारी टॉप 9 बेस्ट टीन ड्रामा सीरीज इन नेटफ्लिक्स। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।